नोटबंदी का आज 38वां दिन है, लेकिन कैश के लिए लोग अभी भी बेहाल हैं और अब इस बेहाली ने लोगों को धैर्य खोने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गुस्साए लोगों ने बैंक पर पथराव किया। और ज्यादा जानकारी के लिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नोटबंदी ने तोड़ा लोगों के सब्र का बांध, कैश नहीं मिलने से फूटा लोगों का गुस्सा, बैंक में आक्रोशित लोगों ने चलाए लाठी डंडे। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की, जहां कैश के लिए लाइन में लगे लोगों की हिम्मत इस कदर टूटी कि उन्होंने सड़क पर ही संग्राम छेड़ दिया। मालदा में जब लोगों को SBI ब्रांच और ATM से कैश नहीं मिला तो वो भड़क गए और कैश की कमी से जूझ रहे लोगों ने अपना गुस्सा बैंक ब्रांच और उसके ATM पर उतारा। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि नोटबंदी से बेहाल ये शख्स किस तरह बैंक के शटर पर डंडे बरसा रहा है। दरअसल रतुआ में SBI बैंक की शाखा में लोग घंटों लाइन में इसी उम्मीद से खड़े थे कि वो जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे बैंक से निकाल सकेंगे, लेकिन जब बैंक खुला तो ग्राहकों को बताया गया कि उन्हें केवल 1,000 रुपए मिलेंगे। इससे कुछ उपभोक्ताओं ने पहले तो कम से कम 2,000 रुपए नकदी के लिए आग्रह किया, लेकिन जब पता चला कि शाखा में पर्याप्त नकदी नहीं है तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने शाखा के निकट एक बंद पड़े ATM को भी तोड़ डाला। कुछ देर तक चले संग्राम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को शांत करवाया और हालात पर काबू पाया। वैसे कोलकाता में भी RBI गवर्नर को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुरुवार को जब उर्जित पटेल एयरपोर्ट पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल को काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे भी लगाए। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर RBI चीफ को वहां से बाहर निकाला और विमान तक पहुंचाया। तो नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही परेशानी अब गुस्से के तौर पर सामने आ रही है और यही वजह है कि लोग तोड़ फोड़ करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखते रहिए DP Live।